हेलो दोस्तों, वेलकम एंड गुड इवनिंग। और मैं कृति पटेल आप सबका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मज़े में होंगे। तो आज अगेन मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ, जो एक रेसिपी वीडियो है। आप इसको डिनर में भी बना के खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी बना के खा सकते हो, और इतना बढ़िया है, मतलब अगर आपने इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखी तो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी वीडियो लेके आई हूँ और ये समर में तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करिए, फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल पर आते हो फिर भी अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन पर और ऑल पे भी क्लिक कर लेना है, जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। एंड यस, आपको सारे वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखना है। इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है, तो ये करके जाना है। आप चाहो तो ज्वाइन बटन क्लिक करके मेम्बरशिप भी ले सकते हो। अगर आपने मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हुआ है, चाहो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेसिपी वाला वीडियो। तो अभी हम आ गए हमारे किचन में। सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस को ऑन कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल लिया है। अब जब हमारा ऑयल गरम हो जाता है, हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा के बाद हम ऐड करेंगे हींग। ये दोनों अच्छे से आ जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में थोड़े से करी पत्ता, ये बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट बनाता है, तो करी पत्ता आप ज़रूर इसमें डालें, इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। साथ में लिया है 2 बड़े प्याज जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब आपको इसको अच्छे से मतलब सौते कर लेना है, इसका कलर चेंज हो जाए और प्याज अच्छे से पक जाए, तब तक इसको आपको क्या करना है कि सौते करना है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे और इसमें हम रूटीन मसाले भी ऐड कर लेते हैं। जहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है हल्दी पाउडर, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से हल्दी पाउडर कर सकते हो। इसके बाद जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक आप जितना आपका टेस्ट है उस हिसाब से खाओ। यहाँ पे मैंने रेड मिर्ची जो है इसको मैंने स्किप किया है, क्यों, क्योंकि मैंने जो ग्रीन मिर्ची लिया था वो बहुत ही स्पाइसी था। अगर आपको इससे भी स्पाइसी खाना है तो आप रेड मिर्ची ऐड कर सकते हो, बट रेड मिर्ची से इसका जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ पर रेड मिर्ची अवॉइड कर रही हूँ। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपने ये रेसिपी घर पे बना के खाया ना, आपको मैं कसम से बीट मार रही हूँ, आप दिल्ली की वायरल वड़ा पाव का वड़ा पाव भी भूल जाओगे। इतना बढ़िया सा ये रेसिपी बनता है, इतना हेल्दी भी है, घर पे बनाए तो मस्त ही रहेगा। ये अब हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, इसको हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 से 3 बॉयल उबले हुए आलू, जिसको आप कद्दूकस कर लो या तो फिर यहाँ पे इसको आप मैश कर लो। अब ये हमारा जो प्याज था सौते किया हुआ, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये सारा मसाला एक रस हो जाना चाहिए। प्याज का जो हमने भुना हुआ प्याज था वो भी इसमें अच्छे से फ्लेवर छोड़ेगा। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरे धनिए, ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देता है, तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है। अब चाहो तो इसमें पनीर और चीज़ को भी ऐड कर सकती हो, बच्चों के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे इसको स्किप किया हुआ है। इसके साथ मैंने लिया है बड़े वाले सैंडविच की ब्रेड, अगर फ्रेश मिलता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ बटर, आपको बटर को चारों तरफ अच्छे से अप्लाई करना है। इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं हरी चटनी, ये मेरी हरी चटनी थोड़ी सी स्पाइसी है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम लगा रही हूँ। अगर आपकी
चटनी स्पाइसी ना हो तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर अब हमने जो आलू वाला स्टफिंग बनाया था ना, ये लेना है, इसको अच्छे से स्प्रेड करके दूसरे एक ब्रेड पर बटर अप्लाई करके इसको ऐसे रख लेना है। सारी ब्रेड को आपको ऐसे ही बना के रख लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है ग्रिल। अगर आपके पास ग्रिल अवेलेबल नहीं है तो आप इसको अपने सादा मशीन से या फिर अपने तवे पर भी इसको बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्रिल पर लगा लिया है बटर। बटर के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने बना के रखा था ना ब्रेड को स्टफिंग के साथ, इसको हम इसके अंदर रख देंगे। अगेन इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे बटर और ये वाला जो हमारा मशीन है इसको बंद कर लेते। अभी आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया सा प्यारा सा ये मेरा ग्रिल सैंडविच बन के रेडी है, बहुत ही करारा बना हुआ है। इसको मैंने टोमेटो केचप और ग्रीन हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो अब हम करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले आज मैं इनसे पूछ रही हूँ कि ये वाला सैंडविच कैसा बनाए। तो ये लिया हमारे पति देव ने सैंडविच, इसको केचप में, फिर इसको ये करेंगे चटनी में डीप और इसको टेस्ट करेंगे। इनको मतलब कैमरा सही पर्सन है तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत रहता है, कैसा बनाए मैंने पूछा तो बोल दिया बहुत अच्छा बनाए। अब बोलेंगे इसको लेके जा, इसको लेके जा, बट मैं बाय फोर्स इनको दे रही थी कि आप खा लो, मैं इनको बना के दे रही हूँ। अब बारी आती है हमारी पढ़ाकू बच्ची की। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है तो मुझे इसके लिए सब कुछ बनाना बहुत पसंद है और इतने चाव से खाती है। तो ये भी टोमेटो केचप में यहाँ पे इसने डीप किया, फटाक से मुंह में रखा। अब मैं पूछूंगी कैसा बनाया बेटा, तो ये बोलेगी बहुत ही बढ़िया बनाए। अगर मैं अपनी प्लेट वापस मांगूंगी ना तो बोलेगी कि नहीं चलो आप जाओ। अब बारी आती है हमारे पापा की, इनको भी हम देते टेस्ट करवाते, तो ये भी बोल रहे अच्छा बनाए। तो मैंने पूछा अभी तो आपने पूरा टेस्ट नहीं किया, कैसे बोल रहे हो अच्छा, ऐसे ही थोड़ी चलता है। तो बोले नहीं नहीं मैंने खाया ना, फिर बोला कि अच्छा बनाए। तो अब क्या, कोई नहीं, मैं तो फटाफट से सैंडविच को इंजॉय कर रही हूँ। आप फटाफट से वीडियो को देखो, फिर जाके यहाँ पे ये वाला रेसिपी बनाओ और इससे मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाला रेसिपी कैसा लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल अलग से नए कंटेंट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।